जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ के गांव दौलता स्थित एक विद्यालय में यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही थी। वहीं किसी बात पर छात्र को कक्ष निरीक्षक ने बुरी तरह पीटा, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। छात्रा व उसके परिजनों ने लगाए टीचर पर आरोप। इस संबंध में पीड़ित छात्र के भाई मोहन श्याम ने थाना शेरगढ़ में आरोपी शिक्षक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मोहन श्याम ने बताया कि उसका भाई अजीत दलोता स्थित श्री कृष्ण इंटरनेशनल कॉलेज में हाई स्कूल की परीक्षा देने गया था। उसी दौरान परीक्षा केंद्र के कक्ष में ड्यूटी कर रहे शिक्षक ने उसके भाई को बेवजह बुरी तरह से पीटा, जिससे उसके सर और कान में गंभीर चोट लग गई। मोहन श्याम ने बताया कि उसके भाई के एक कान का पर्दा भी फट गया है, जिसके कारण कान से खून बह रहा है। वहीं जब मोहन श्याम ने जब इस घटना की शिकायत विद्यालय प्रशासन से की, तो कॉलेज प्रशासन ने उसके साथ अभद्रता करते हुए कॉलेज से बाहर निकाल दिया और धमकी दी कि यदि तुमने कहीं कोई शिकायत की तो तुम्हारे भाई को फेल करा दिया जाएगा। मोहन श्याम ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। टीम भारती न्यूज। सर, हम आज कला का पेपर दे रहे थे श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत है जी। मैं एक लड़के से स्केच ले रहा था, तो तभी मुझे एक टीचर ने आके उठाया, बोले क्या बात है, कुछ नहीं पूछा और आके मेरे कान पे फड़ मारा, तो सर खून निकलने लग गए मेरे कान पर। फिर मैं उनसे बताया कि सर खून निकल रहे हैं, उन्होंने पूछ के और ये कह दिया अगर घर बताएगा तो तेरी कॉपी सील करवा के तुझे फेल करवा दूँगा। कौन से टीचर थे वो, क्या नाम था उनका? राजेश नाम था उनका, मथुरा के रहने वाले, कृष्ण नगर। किस स्कूल में ड्यूटी थी उनकी? उनकी ड्यूटी श्री कृष्ण इंटर कॉलेज दलोता में। अच्छा, आप वहाँ पेपर दे रहे थे? हाँ सर। कौन सी पाली की बातें हैं ये? सुबह मॉर्निंग में सर। कितने किस चीज़ का पेपर था आज? आज कला का पेपर था। मेरा भाई अजीत है, ये पेपर देने आता है कृष्णा इंटर कॉलेज में। एक टीचर ने ये कहाँ है, कौन सी जगह है? ये दलोता में सर जी। और एक टीचर ने कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं और आते इसमें थप्पड़ मारा, इसका कान का पर्दा फट गया है, उससे ब्लेड निकल रहा है। और फिर मैं गया हूँ दोबारा वहाँ स्कूल में, तो उन्होंने मुझको भी अपशब्द बात की है। किसने अपशब्द बोले आपसे? जो सर उसके जो प्रिंसिपल हैं जी। क्या नाम है उनका? जिस ये सुजान है और ये किसने क्या कुछ किसमरारी है, ऐसे ही नाम है, त्रिलोकी है, दो तीन थे वहाँ। उन्होंने अपना नाम तो सही ढंग से बताया नहीं और बोल दिया कि 100-200 रुपये लगेंगे, हम दे देंगे इसके पैसे और जाओ तुम इलाज करवा लो, फट गया तो फट जाने दो, अगर तुम ज़्यादा वो करेंगे तो तुम्हारे भाई को फेल और करवा देंगे। तो आप यहाँ शेरगढ़ थाने किस लिए आए हो? सर शेरगढ़ थाने इसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए आए कि हमें इसमें मतलब कुछ कार्रवाई उसके खिलाफ। तो आपकी एप्लीकेशन ले ली गई पुलिस? हाँ, एप्लीकेशन तो ले ली है सर। क्या कहा है फिर? कहा है कि कल ये सही में जाएगी एप्लीकेशन, कल सही से जाके वहाँ भेजा जाएगा।